डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप एकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट, टुडे वी सिंप्लीफाई सम क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई ऑर्डर 481 एक्स टू द पावर 8 वाई टू द पावर 4 जेड टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई ऑर्डर 3 दैट इज क्यूबिक रूट 27 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 6 जेड टू द पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करना है, वेयर एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, एग्जांपल फर्स्ट पार्ट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 81 एक्स टू द पावर 8 वाई टू द पावर 4 जेड टू द पावर 16 टोटल पावर 1/4। जब इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर ऑर्डर 4 है, इसको लिख सकते हैं आप 1/4 टोटल अपान, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 27 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 6 जेड टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर 1/3। क्यूबिक रूट है, इसको हटाएंगे तो पावर 1/3। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 81 पावर 1/4 एक्स टू द पावर 8 पावर 1/4 वाई टू द पावर 4 पावर 1/4 इंटू जेड टू द पावर 16 होल पावर 1/4 टोटल अपान, डिनोमिनेटर को आप कैसे लिख सकते हैं 27 पावर 1/3 एक्स टू द पावर 3 पावर 1/3 वाई टू द पावर 6 पावर 1/3 एंड जेड टू द पावर 9 पावर 1/3। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए, 81 3 से डिवाइड कीजिए, 27 टाइम्स 9, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 पावर 1/4 एक्स टू द पावर 8 है पावर 1/4, 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स यानी एक्स टू द पावर 2, ऐसे वाई पावर 4 होल पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा वाई टू द पावर 1 इंटू जेड टू द पावर 4, 4 जा 16 जेड टू द पावर 4 अपान डिनोमिनेटर 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 होल पावर 1/3। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पावर कैंसिल हो जाएगा 3 टू जा 6, यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 इंटू वाई टू द पावर 2 इंटू जेड टू द पावर 3, 4 से 4 यह भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आपका हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड टू द पावर 4 अपान 3 एक्स वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 3, 3 से 3 भी कैंसिल, इसको एडजस्ट कर लिया जब एक्स टू द पावर 2 को एक्स इंटू वाई इंटू जेड पावर 3 इंटू जेड अपान एक्स इंटू वाई इंटू जेड टू द पावर 3, जेड पावर 3 से यह कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स इंटू जेड अपान वाई, यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑर्डर 5 एक्स टू द पावर 4 ऑर्डर 4 एक्स टू द पावर 3 ऑर्डर 3 एक्स टू द पावर 2 ऑर्डर 2 एक्स
इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको इस वाले रूट को हटाएंगे, उसके बाद इस रूट को हटाएंगे, यानी स्टेप वाइज आप ऐसे रूट को हटाते जाएंगे। तो इसमें वैल्यू हो जाएगा आपका ऑर्डर 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू ऑर्डर 4 एक्स टू द पावर 3 इंटू ऑर्डर 3 एक्स टू द पावर 2। इस रूट को हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट को हटाएंगे, स्क्वायर रूट एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो यह वैल्यू हो जाएगा ऑर्डर 5 एक्स टू द पावर 4, ऑर्डर 4 एक्स टू द पावर 3, और यहाँ पर एक्स टू द पावर 2+1/2, 2+1/2 पावर 1/3। इस क्यूबिक रूट को हटाएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर 5 एक्स टू द पावर 4, ऑर्डर 4 एक्स टू द पावर 3 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लें एक्स टू द पावर 2 × 4, 4+1 5/2 इंटू 1/3, 5/2 एक्स टू द पावर 5/2 इंटू 1/3। इसको आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5/3 × 6, यानी एक्स टू द पावर 5/6। अब इनको सिंप्लीफाई किया जाए, ऑर्डर 5 एक्स टू द पावर 4, ऑर्डर 4 एक्स टू द पावर 3+5/6, ऑर्डर 5 एक्स टू द पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करें 6 × 3 एलसीएम का ले लें, 6 × 3 = 18, 18+5 = 23, एक्स टू द पावर 23/6 होल पावर, इससे फोर्थ रूट को हटाएंगे पावर क्या हो जाएगा 1/4, ऑर्डर इसका 4 है, 1/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ऑर्डर 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 23/6 इन पावर 1/4, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 23/6 4 × 24, या इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 23/24 होल पावर 1/5। जब इस रूट को हटाएंगे तो इसका ऑर्डर 5 है, होल पावर 1/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, एक्स टू द पावर 4 इंटू 24 एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम हो जाएगा, 24 × 4 = 96, 96 + 23 = 119, एक्स टू द पावर 119/24 होल पावर 1/5, या इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 119/24 × 5 = 120, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को आप लिख सकते हैं 1/a, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे अपॉन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स है, तो ए इनवर्स को 1/a, बी इनवर्स को आप 1/b लिख सकते हैं, प्लस ऐसे सेकेंड वाला पार्ट 1/a − 1/b, यानी इनवर्स का रेसिप्रोकल कर लिए। अब इनका एलसीएम 1/a / b + a / ab, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a / b, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो b − a / ab, लास्ट वाला टर्म फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × ab / यह टर्म इसके साथ आ जाएगा a × b + a, प्लस ऐसे यहाँ पर भी
1 into AB upon A into B minus A. यहां पर कॉमन हो जाएगा आपका AB upon A कॉमन कर लिया जाए, AB upon A कॉमन हो जाएगा. यहां पर वैल्यू आएगा 1 upon B plus A plus 1 upon B minus A. AB upon A इनका एलसीएम ले लिया जाए, इसका यहां मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, B minus A plus B plus A अपान A plus B into A minus B का फार्मूला, तो इसको आप लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. A कैंसिल, AB into 2B अपान A into B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. A भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा 2B स्क्वायर अपान B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. A प्रूव करना था राइट हैंड साइड. एंड सेकेंड पार्ट, योर सेकेंड पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 upon 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस बी प्लस 1 upon 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए. इसको एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस ए ऐसे अलग अलग कर लिया गया. अब इसमें जो नेगेटिव पावर है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे पावर को पॉजिटिव करने के लिए. तो इसको आप लिख सकते हैं 1 upon 1 प्लस एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर बी प्लस 1 upon 1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपान एक्स टू द पावर ए. पावर जो नेगेटिव था उसका रेसिप्रोकल कर लिया गया. यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, यह टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स टू द पावर बी अपान, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ऐसे. यहाँ पर एक्स टू द पावर ए अपान एलसीएम एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी. ध्यान देंगे इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर बी होगा, उसको न्यूमरेटर मोटर में चला जाएगा तो 1 इंटू एक्स टू द पावर बी अपान एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए ऐसे इसका भी कर लिया गया. अब इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इस कंडीशन में न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर सकते हैं. तो यह वैल्यू हो जाएगा एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए. टोटल कैंसिल, वैल्यू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. थैंक यू.